So life is unpredictable. किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको किस तरह की एक philosophical बातों में लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसका एक मकसद है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह life is unpredictable, online दुनिया भी बहुत unpredictable है, and online world is also very dangerous. जिस तरह लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसी तरह आपकी वेबसाइट्स आर ऑल्सो वेरी अनप्रडिक्टेबल. बल्कि वेबसाइट्स छोड़ें, जो वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं, दोज आर वेरी अनप्रडिक्टेबल. एंड उसकी वजह से आपको नहीं पता कि आज ज़िंदगी है, कल नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी. इसी तरह आपकी वेबसाइट्स आर ऑल्सो वेल एट द स्टेक ऑफ योर फॉर्चून. किस्मत पे है आपकी कि आप किस तरह की वेबसाइट होस्टिंग को यूज़ करते हैं और वो आपका साथ कितनी देर तक देगी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू चूज़ द राइट होस्टिंग. लेकिन अगर आप राइट होस्टिंग ना भी चूज़ करें, तो आपने एक मैकेनिज्म ऐसा सेट करना है दैट योर साइट्स आर सेफ एंड दैट योर साइट्स आर सिक्योर. एंड अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो भी जाए, तो यू हैव इंश्योरेंस. बिल्कुल रियल लाइफ में जिस तरह इंश्योरेंस होती है, वेबसाइट्स की भी इंश्योरेंस होती है, जिसको हम कहते हैं बैकअप्स. सो व्हाट इज अ साइट बैकअप? बैकअप्स आर वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट टुवर्ड्स योर साइट. भाई, मैंने आपको बताया कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, और आपको नहीं पता कि लोग आपकी तरफ किस निगाह से देख रहे हैं. हो सकता है लोग आपसे जेलस हों, या लोग आपसे हसद करें, या लोगों को आपकी सक्सेस बर्दाश्त ना हो, तो वो आपकी साइट पे अटैक करने के लिए कुछ भी करेंगे. और उस अटैक से बचाने के लिए आप अपनी साइट को करेंगे क्या? यू विल क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर वेबसाइट्स. रेगुलर बैकअप्स आर वन थिंग दैट एवरी ब्लॉगर और वर्डप्रेस यूजर शुड डू. आपने रेगुलरली अपनी साइट का बैकअप लेना है, ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी टाइम कहीं भी एकदम से आप उठें और कुछ हो जाए, तो यू कैन रिस्टोर योर साइट विद ईज. और आप टाइम मशीन को भी इसको कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ टाइम मशीन थ्रू विच यू कैन गो बैक इन टाइम. अगर कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो गया है, यूजिंग बैकअप्स यू कैन गो बैक इन टाइम एंड यू कैन चेंज और ब्रिंग बैक things related to your website. Your WordPress database contains every post, every comment, and every link you have on your blog. ये सारा जो data है, ये आपकी website, आपकी WordPress site पे है, और इसको कुछ भी हो सकता है. इस पर hackers आ सकते हैं, website hosting down जा सकती, कुछ भी हो सकता है. आपने इसे बचाना है और उसके लिए mechanism set up करने है. So if your database gets erased or corrupted, you stand to lose everything that you have written, and that's a very scary place to be in. Here are many reasons this could happen, and not all things are in your control. Aur agar aapke paas ek proper backup nahi hai, to aap files ko restore nahi kar sakte. There is no way to go back in time if you don't have a backup. Shayad aapke zehen mein question aaye ki how often should I do a backup? Kitne often क्या आपको अपनी साइट का बैकअप करना चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर साइट इज. इफ यू हैव अ वेरी एक्टिव साइट, देन इट इज गुड टू हैव अ बैकअप एवरी डे और प्रोबेबली एवरी वीक. अगेन डिपेंड्स ऑन यू. व्हाट टाइप्स ऑफ बैकअप्स आर देयर? भाई, एक बैकअप है आपकी डेटाबेस का, एक बैकअप है आपकी साइट का, आपकी फाइल्स का. इट्स टोटली अप टू यू. कैन बैकअप्स बी ऑटोमेटेड? बिल्कुल, आप बिल्कुल बैकअप्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, और आपको हम दिखाएंगे कि आप बैकअप्स को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग सम ऑफ द प्लगइन्स दैट वी हैव. सो रिकमेंडेड प्लगइन इसके लिए क्या है? द प्लगइन दैट वी रिकमेंड फॉर दिस इज कॉल्ड अपड्राफ्ट प्लस. व्हाई? बिकॉज अपड्राफ्ट प्लस इज एन अमेजिंग प्लगइन.
ये एक ऐसा प्लगइन है जिससे आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आपकी साइट डाउन हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो यू आर एबल टू ट्रैवल बैक इन टाइम एंड यू आर एबल टू रिस्टोर योर फाइल्स. और साथ ही साथ आप इसकी प्रीमियम फीचर्स को यूज़ करके और नई फीचर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. अपड्राफ्ट की सबसे यूनिक चीज़ ये है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाह रहे हैं फॉर बैकअप्स, आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप ऑटोमेटेड बैकअप्स के लिए एक स्केड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो भाई आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप सिलेक्टेड बैकअप्स डालना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि फाइल का बैकअप अलग हो और डेटाबेस का बैकअप अलग हो, तो आप वो भी कर सकते हैं. इट इज़ अ स्विस नाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेबसाइट. अगर आप रेगुलरली बैकअप्स रखेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सेफ रहेंगे. तो बातें बहुत हो गई, चलें अब इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपड्राफ्ट यूज़ करते हुए आप अपनी साइट को सिक्योरली बैकअप कर सकते हैं. सो इस वेबसाइट को देखें, ये है DigiSkills.pk की वेबसाइट एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट. आपको यहाँ पे एक वीडियो चलती हुई नज़र आ रही है, कुछ इमेजेस नज़र आ रहे हैं और हमारे कोर्सेज नज़र आ रहे हैं. बट खुदा ना खास्ता क्या होता अगर एक दिन हैकर आके ये सारा डेटा चोरी कर लेते या इसे डिलीट कर देते, द साइट वुड बी गॉन. सो टू प्रोटेक्ट दिस वी हैव टू इंस्टॉल अ प्लगइन लाइक अपड्राफ्ट. तो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि अपड्राफ्ट यूज करते हुए आप कैसे अपनी साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो आप अपनी साइट पे लॉगिन करेंगे और आप प्लगइन्स में जाएंगे और वहां पे आप अपड्राफ्ट का प्लगइन जो है वो सर्च करेंगे. सो वी विल गो टू प्लगइन्स, ऐड न्यू एंड वी विल सर्च फॉर अपड्राफ्ट. बहुत ही उमदा प्लगइन है जिससे आप अपनी साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आई क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ. आप देखते हैं कि ये प्लगइन 1 मिलियन साइट्स पे एक्टिव है एंड इट हैज़ बिन अपडेटेड रिसेंटली, सो इट मस्ट बी एन अमेजिंग प्लगइन. एंड एज सून एज इट्स इंस्टॉल्ड वी विल क्लिक ऑन एक्टिवेट. और जैसे ही मैं एक्टिवेट क्लिक करूँगा तो टॉप पे मुझे अपड्राफ्ट का एक बटन नज़र आएगा जो कि आपको अपनी साइट्स पे भी नज़र आएगा. सो ये देखें, जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, इट्स आस्किंग मी टू प्रेस स्टार्ट. आई विल क्लिक ऑन दैट एंड जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का बड़ा सिंपल सा बैकअप कर सकता हूँ. एंड यू कैन टेक अ टूर ऑफ दिस होल प्लगइन ताकि आपको समझ आए और आप देख सकें कि कैसे ये प्लगइन आपके लिए मुफीद है. सो आई विल क्विकली क्रिएट अ बैकअप. आई क्लिक ऑन बैकअप नाउ. आई क्लिक ऑन बैकअप नाउ एंड देखते हैं कि कितनी देर लगती है इसको मेरे ही साइट का एक अच्छा सा बैकअप क्रिएट करने के लिए. सो इट विल शो मी अ प्रोग्रेस बार एंड इन नो टाइम यू विल सी कि इट विल क्रिएट अ बैकअप फॉर माई वेबसाइट. थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है. और साथ साथ ये आपको मैसेजेस भी दिखाएगा और आपको ये भी दिखाएगा कि आपके कौन से बैकअप्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग हैं. अगर आप कोई सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं या आप कोई एडवांस टूल यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस प्लगइन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं. इट्स एन अमेजिंग प्लगइन बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई दिस. आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर वेबसाइट राइट नाउ इस वीडियो को देखते हुए, ताकि आप सेफ रहें, आप सिक्योर रहें. हम चाहते हैं कि आप जब अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो ही आप ग्रो करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे. सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड एंड गुड लक इन योर जर्नी टू बिकम अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट.